हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्राफ्ट से पियानो बनाएंगे। सबसे पहले पेपर को हम स्क्वायर शेप में कर देंगे। उसके बाद उसको रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करेंगे। चारों कॉर्नर अच्छे से मिला देना है, दो दो कॉर्नर को। उसके बाद अच्छे से ऐसे क्रीज कर देनी है। अब ओपन करके दूसरी साइड भी हम उसको वैसे ही फोल्ड करेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करना है, जैसे पहले किया था हमने। जो बंद वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर रहेगा। बाद में जो बीच वाली लाइन दिखती है आपको, स्ट्रेट मिडल, उसको ऐसे फोल्ड कर देना है हाफ, दोनों तरफ से सेम। उसके बाद उसको ऐसे पकड़ के जो बीच लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। बाद में उसको अच्छे से दबा के प्रेस करके उसको फोल्ड कर देना है अच्छे से। सेम दूसरी साइड भी हम वैसा ही करेंगे। फिर से देख लो। अब जो ये वाला पार्ट है वो जो इसकी जो बॉर्डर है वहां तक हमें लेके जाना है हाफ फोल्ड करके। उसके बाद इसको दोनों तरफ से ऐसे क्रीज कर दिए तो वो अच्छे से स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद जो ये हमने फोल्ड किया उसको एक बार ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। आपको कॉर्नर टू कॉर्नर लेके नहीं जाना, थोड़े गैप रखनी है धागे जितने बीच में, ताकि हम उसको दूसरी बार फोल्ड करके ऐसे मोड़ सके। सिर्फ हमें ये चिपकाना है और अंदर लाइन करनी है। स्केच पेन से हम लाइनिंग करेंगे पियानो की। आप अपनी तरीके से लाइन कर सकते हैं। ये हमारी लाइन अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब फेविकोल की मदद से हम उसको चिपका देंगे दोनों तरफ से। ऐसे अच्छे से पकड़ के रखना है थोड़ी देर, ताकि चिपक जाए हमारा पियानो का जो फोल्डिंग है वो। देखो ये चिपक चुका है, भी हमारा पियानो रेडी हो चुका है। ये हम ऐसे करके बजा सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारा पियानो रेडी हो चुका है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से और ड्राइंग सीख पाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।